अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अव्यवस्थित एंड आई कंप्यूटर कैपेसिटी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टिकटॉक अभी सिर्फ वीडियोस अपलोड करने के लिए नहीं है, अभी हम टिकटॉक में टेक्स्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अभी टिकटॉक यूजर्स टिकटॉक में टेक्स्ट भी अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक के इस नए फीचर को टेक्स्ट पोस्ट कहते हैं। इस टेक्स्ट पोस्ट में हम 280 कैरेक्टर्स टेक्स्ट पोस्ट लिख सकते हैं और इसमें हम बैकग्राउंड कलर को भी ऐड कर सकते हैं और हैशटैग को भी ऐड कर सकते हैं और इमोजीज को भी ऐड कर सकते हैं। और कमाल की बात बताऊं आपको, कमाल की बात यह है कि इस टेक्स्ट पोस्ट को लोग लाइक भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लाइक्स और बढ़ेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मेटा ने जो अभी थ्रेड्स लॉन्च किया था टेक्स्ट पोस्ट करने के लिए ट्विटर के मुकाबले में, तो इस कंपटीशन में टिकटॉक कैसे पीछे रह सकते हैं? टिकटॉक ने भी इस फीचर को लॉन्च कर दिया। ये फीचर तो पहले इस कंट्रीज में था, लेकिन अभी ये फीचर सबके लिए अवेलेबल है, पूरी दुनिया के लिए। आपने तो इस टेक्स्ट पोस्ट का इंट्रोडक्शन सुन लिया, अभी मैं आपको टिकटॉक में टेक्स्ट पोस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो टिकटॉक में टेक्स्ट पोस्ट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है और अपना टिकटॉक को अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर प्ले स्टोर में टिकटॉक सर्च करता हूँ, यहाँ पर टिकटॉक सर्च करें, यहाँ पर अपडेट लिखा होगा, उस अपडेट पर क्लिक करें तो आपका टिकटॉक अपडेट हो जाएगा। तो मैंने अपडेट कर लिया है, तो मैं इस ओपन पर क्लिक करके टिकटॉक को ओपन कर देता हूँ। मैंने अपना टिकटॉक को ओपन कर लिया, तो अभी टेक्स्ट पोस्ट करने के लिए इस प्लस पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा होगा, इस टेक्स्ट पर क्लिक करें। और अभी आप यहाँ पर बोर्ड से राइटिंग कर सकते हैं, आप अपने मन चाहे आप जो भी राइटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर कुछ भी लिख दें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लिया। अभी आप लेफ्ट साइड पर ये जो है ना, ये इसे आप अपना साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये अभी मैंने फुल साइज कर लिया और यहाँ पर अभी ये लेफ्ट साइड में है, अभी मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ। मैं इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये सेंटर में आ गया। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहते तो इस ए पर क्लिक करें तो इसको बॉर्डर भी लग जाएगा। ये देखो, इसको बैकग्राउंड भी लग जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें, इसको मैंने बॉर्डर भी देता हूँ, इसको मैं इसे बैकग्राउंड देता हूँ। और यहाँ पर ये जो बहुत सारे कलर है, इसे आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते तो वापस इस पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। और यहाँ पर इस डन पर क्लिक करें और यहाँ पर इस अब यहाँ पर हम इसको स्टेकर भी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेकर पर क्लिक करें और यहाँ पर कोई सा भी, अगर आप इसमें लोकेशन भी देना चाहते हैं तो इस लोकेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर कोई रेंडम सा लोकेशन दे दे और आप इसको लोकेशन भी दे सकते हैं। और इसमें इमोजीज भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ये इमोजी ऐड करता हूँ। और आप इसको ड्राफ्ट में भी सेव कर सकते हैं और इसको आप साउंड भी दे सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करें और अपना फेवरेट साउंड यहाँ से सर्च करें, यहाँ से अपना साउंड सर्च करें और कोई भी साउंड दे दे इसको। तो मैं इसको ये साउंड देता हूँ। मैंने इसको ये साउंड दे दिया और यहाँ पर इस पोस्ट टू फीड इस पर क्लिक करें। तो अब ये टिकटॉक वीडियो की तरह पोस्ट हो गया है। अब यहाँ पर ये पोस्ट हो गया है टिकटॉक वीडियो की तरह। ये मैंने पहले भी एक बनाया था, ये मैंने ड्राफ्ट में सेव की थी। अब इसको भी इस पोस्ट टू फीड पर क्लिक करके इसको भी अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैंने इन दोनों को अपलोड किया अभी।